आप मेरे साथ हिमालयी नदियां पढ़ रहे हैं। हिमालयी नदियों के अंतर्गत मैंने सिंधु नदी तंत्र खत्म कर दिया, गंगा नदी तंत्र भी खत्म कर दिया। आज आप मेरे साथ ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन करेंगे। पहला पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है, चाइना, भारत और बांग्लादेश। मैंने ये पूर्वोत्तर भारत बनाया है। आप ध्यान से देखेंगे कि पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, उनको मैंने रेखांकित किया है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है, चाइना, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। चाइना के तिब्बत पठार पर सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो दिहंग नदी, असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। यानी सांगपो, दिहंग, ब्रह्मपुत्र और जमुना, 4 नामों से ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत पठार पर मानसरोवर झील के पास से निकलती है। और आप लिखते जाइए, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं, ब्रह्मपुत्र नदी चीन में तिब्बत पठार पर मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहती है। हिमालय के साथ साथ पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के समीप यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में वृहद हिमालय को काटकर एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है। वृहद हिमालय को काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। वृहद हिमालय खड़ा है बीचों बीच काट कर, यानी ब्रह्मपुत्र नदी यहां बहती है। ये गार्ज है, खड्ड, गार्ज या खाई जो भी कहिए, या कैनियन। तो अरुणाचल प्रदेश में वृहद हिमालय को काट कर एक गहरे खड्ड का निर्माण करती है जिसे हम दिहंग गार्ज कहते हैं, दिहंग गार्ज, उसे हम दिहंग गार्ज कहते हैं। दिहंग गार्ज कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसमें अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियां आकर मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी में अरुणाचल प्रदेश की 2 सहायक नदियां आकर मिलती हैं। ये सहायक नदियों का नाम है दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित ये दोनों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। कहां बहती हैं? अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में प्रवेश कर जाती है। असम घाटी के मैदान में, देखिए हिमालय है भारत के उत्तर में, तो जो अरुणाचल प्रदेश है वो ये है, ये इलाका जो है अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। ठीक, ये जो इलाका मैंने बनाया ऊपर का बॉर्डर के ऊपर, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। तो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश तो पहाड़ी है, ठीक है, क्योंकि हिमालय जो है अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर जाता है और फिर जब दक्षिण की ओर हिमालय मुड़ता है तो पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी हो जाता है। लेकिन और ये जो है ये शिलांग पठार है ना, ये जो है आपका शिलांग पठार है ना, दक्षिण में पठार और उत्तर में पहाड़ हिमालय। तो जो असम की जो असम का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, असम का क्षेत्र यहां तक चलाता है। तो ये जो पूरा असम का क्षेत्र है यहां से लेकर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, तो पूरा का पूरा असम घाटी है, अर्थात समतल मैदान की तरह है। कल्पना करना होगा, ठीक है। ये मैंने बनाया है, इसको आप मान लीजिए नॉर्थ और इसे मान लीजिए इधर साउथ। नॉर्थ में हिमालय है और साउथ में शिलांग पठार है ना, हिमालय और शिलांग पठार। शिलांग पठार हिमालय के बीच में ये जो समतल मैदान आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो समतल मैदान, इस समतल मैदान को हम असम घाटी कहते हैं। अर्थात असम में जो भूभाग है वो बिल्कुल समतल है, उसी को हम असम घाटी के रूप में संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। तो दिबांग और लोहित नदियों के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी
असम घाटी, असम के समतल घाटी में प्रवेश कर जाती है, अर्थात असम घाटी के समतल मैदान में प्रवेश कर जाती है। ठीक, असम में सदिया से लेकर धुबरी तक, असम में सदिया से लेकर धुबरी तक, ये जो मैंने पॉइंट बनाया है, ये असम में सदिया है, और ये जो पॉइंट बनाया है जहां से बांग्लादेश का बॉर्डर है उसे हम कहते हैं धुबरी। तो असम में सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पश्चिम से पूर्व की, सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। सदिया से धुबरी तक पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से धुबरी तक एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है, इसे हम कहते हैं रैंप घाटी। ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से लेकर धुबरी तक असम में रैंप घाटी में प्रवाहित होती है। रैंप क्या होता है, जिसपे आपने देखा होगा मॉडर्न लोग कैटवॉक करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रैंप, है ना। क्या होता है, वो संकरा सा होता है और लंबा सा होता है, उस पे चलने के लिए लंबाई में कुछ दूर तक रास्ता होता है लेकिन उसका एरिया बहुत ही संकरा होता है ना, तो उसे हम रैंप कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी आप ध्यान से देखिए, असम का जो घाटी है वो रैंप घाटी है, अर्थात इधर शिलांग पठार और इधर जो है हिमालय, इधर हिमालय और इधर शिलांग पठार, तो बीच में जो मैदान वाला इलाका है वो सकरा है। इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय और रैंप घाटी के दक्षिण में शिलांग पठार। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से लेकर धुबरी तक पूर्व से पश्चिम दिशा में एक रैंप घाटी में प्रवाहित होती है ना। इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय है और रैंप घाटी के दक्षिण में शिलांग पठार है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है। गुम्फित जलमार्ग बनाती है। इस गुम्फित जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कई नदी द्वीप पाए जाते हैं। कई नदी द्वीप, बहुत से ऐसे द्वीप हैं जो पानी से बाहर उठा है ना। तो कई नदी द्वीप बनाए पाए जाते हैं। इन नदी द्वीपों में लैफिस माजुली, केवल माजुली लिखिए, इन नदी द्वीपों में माजुली सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पे है ये जो काला सा बड़ा सा पॉइंट मैंने बनाया है नदी के बीचों बीच। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में अनेक नदी द्वीप पाए जाते हैं जिनमें से माजुली सबसे बड़ा द्वीप है। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने माजुली को दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप, द्वीप नहीं, सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया है माजुली को। असम जो राज्य सरकार है, असम की सरकार ने माजुली को नदी जिला घोषित किया है, यानी असम के सभी जिलों में एक जिला कौन सा है, माजुली। तो असम सरकार ने माजुली को नदी जिला घोषित किया है जो कि भारत का एकमात्र नदी जिला है। ठीक, एकमात्र नदी जिला है। ठीक है, माजुली नदी के बीचों बीच है, इसलिए इसकी जो भूमि है बहुत उपजाऊ है, इस पर धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है, माजुली द्वीप पर धान की खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सदिया से लेकर धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र नदी अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सिक्किम, ठीक है, सिक्किम यहाँ पे ग्लेशियर है, उसे हम कहते हैं जेमू ग्लेशियर। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर लिख दे रहे हैं, जेमू ग्लेशियर, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तिस्ता नदी, तिस्ता, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तिस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना से मिल जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में जमुना पद्मा नदी से मिलती है। पद्मा क्या है, गंगा नदी। बांग्लादेश में जमुना पद्मा नदी से मिलती है और दोनों की संयुक्त धारा यहां से लेकर यहां तक, दोनों की संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। जब मणिपुर से निकलने वाली बराक या मेघना नदी, जब मणिपुर से निकलने वाली बराक या मेघना
नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है, जब मणिपुर से निकलने वाली बराक या मेघना नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है तो संयुक्त धारा को मेघना नदी कहा जाता है। संयुक्त धारा को मेघना नदी कहा जाता है। मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है? यानी जमुना, फिर पद्मा, फिर मेघना, ठीक? ओके। ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां भी हैं, उनका नाम नोट कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इस प्रकार हैं। सबसे तो पहले कौन सी मिली? दिबांग, फिर लोहित। दिबांग, लोहित, धनसरी, सभी सहायक नदियों को बनाना यहाँ पर संभव नहीं है, जरूरी भी नहीं है। बहुत ही छोटी छोटी नदियां हैं जो कि यहाँ हिमालय से निकलती हैं और इधर शिलांग पठार से, है ना? हिमालय से यहाँ से निकली अरुणाचल प्रदेश से या भूटान से, अरुणाचल प्रदेश से भूटान से छोटी छोटी नदियां निकलकर इसमें मिल जाती हैं, या फिर शिलांग पठार से निकलकर छोटी छोटी नदियां इसमें मिल जाती हैं। तो उसको बनाना बहुत ही जरूरी नहीं है। ऐसा कभी प्रश्न नहीं पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र की वाली सहायक नदी किस रास्ते से होकर गुजरती है या कहाँ से निकलती है ना, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ नाम पूछा जाता है कि धनश्री किसकी सहायक नदी है ना? धनश्री, और दूसरा है सुबानसिरी। धनश्री, सुबानसिरी। अगली है जिया भरेली, नाम थोड़ा इसका अटपटा है, जिया भरेली। अगली सहायक नदी है पगला दिया, पढ़कर नाम थोड़ी हंसी में आएगी लेकिन यही नाम है इसलिए मुझे लिखाना पड़ रहा है। जिया भरेली, पगला दिया। अगला है मानस, मानस नदी, और तीस्ता नदी, और एक और है पिथुमारी, ठीक? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबानसिरी, जिया बरेली, पगलादिया, मानस, तिस्ता और पिथुमारी, ठीक है? जिनमें से तिस्ता नदी के विषय में आपने जाना कि जेमो ग्लेशियर से निकलकर बांग्लादेश में मिल जाती है। एक मानस नदी भूटान से निकलती है। मानस नदी भूटान से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, छोटा सा अध्याय था, छोटा सा वीडियो। ब्रह्मपुत्र नदी के बाद साथी आज हिमालय की नदियां समाप्त। जस्ट इसका अगला वीडियो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों पर होगा, जो कि हिमालय से कहीं अधिक आसान है पढ़ने में और इंटरेस्टिंग भी है। तो इंतजार करिए। नमस्कार।